हेलो गाइस, वेलकम टू द जिमडे न्यूज। तो गाइस, आज हम बात करेंगे डीसी की अपकमिंग मूवी बैटमैन के बारे में। बैटमैन से रिलेटेड काफी सारी न्यूज आई थी। सबसे पहली बड़ी बात जो काफी पुराना अपडेट है कि बैटमैन मूवी मार्च के महीने में 2018 में रिलीज होने वाली थी, पर ये मूवी कैंसिल कर दी गई। इसके डायरेक्टर नहीं मिल पा रहे थे। पहली बात, इसके जो कास्ट थी मेन, बेन अफ्लेक, उनने भी इस मूवी को छोड़ा, आए, रिटर्न हुए, काफी सारी प्रॉब्लम क्रिएट हुई। बट अभी हाल ही के रूमर के हिसाब से ये हुआ, पता चला कि अभी एक्वामैन रिलीज होने वाली है, उसके जो मेन डायरेक्टर हैं जेम्स वॉन, वो इस मूवी को डायरेक्ट करेंगे। और उनका ये मानना है, उनका ये आइडिया है बैटमैन से रिलेटेड, कि इस मूवी को वो हॉरर टाइप में बनाएंगे, यानी कि बहुत ही खतरनाक तरीके से, क्योंकि बैटमैन एक काफी अच्छा कैरेक्टर है और उसको एक अच्छा डायरेक्टर ना मिले तो वो बेकार है। तो उनका मानना है कि बैटमैन काफी डार्क है और देन वो हॉरर टाइप में बने तो ज्यादा बेटर और सुपरहिट मूवीज आएगी। तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर बैटमैन अगर ऐसी मूवी हुई तो 100% ये वर्ड्स ऑफ पैरी और भी काफी सारी मूवी से कनेक्ट होगी। तो गाइस, कैसा लगा अपडेट? अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पे देख रहे हो पेज को लाइक करें। रियल में आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देखो या तो उस पे एक कमेंट के हाथ मारो या पैर मारो, पर और कुछ मत मानना। बाय बाय, जा रहा हूं।